Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning English Reader of Class 6 by Brain Root Series. And here's a book, Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 11 and the name of the chapter is Salim and Tansen. So here we are going to learn about Salim and Tansen. Let's start the chapter with warming up. So do you know that King Akbar had 9 talented gems. क्या आपको पता है अकबर के बारे में आपने पढ़ा है और ये क्या आपको पता है कि उनके पास 9 रत्न थे 9 talented gems थे इनके कोर्ट में who were based on their exceptional talent जो अपने टैलेंट के लिए जाने जाते थे नॉलेज के लिए जाने जाते थे एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते थे अपने अपने फील्ड्स में Tansen was one of them. तो Tansen जो थे उनमें से एक थे वो बहुत ही अच्छा गाना गाया करते थे So try to find out the name of the rest 8 of them. So जो बाकी एक 8 बचे हैं उसमें से एक थे बीरबल एंड रेस्ट आपको खुद से फाइंड आउट करना है कि कौन थे वो 9 जेम्स अकबर की कोर्ट में सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन सलीम लाइक्स टू सिंग सलीम को गाना अच्छा लगता है इंस्टेड ही हैज टू चॉप अनियंस एट हिज फादर शॉप लेकिन उसे क्या करना पड़ता था अपने फादर की दुकान पे जाके अनियन मींस प्याज काटना पड़ता था Because his father was the owner of a food shop. क्योंकि उसके फादर क्या थे ओनर थे एक फूड शॉप के One day when he was working in the shop, an interesting event occurred. एक दिन क्या हुआ जैसे ही वो काम कर रहा था अपने पापा की शॉप पे एक कुछ हुआ What was that? Let's read the lesson to know. तो चलिए पढ़ते हैं क्या हुआ था उस शॉप पे That morning, as always, Salim sat in his father's shop in Agra, Moti Bazaar. तो आगरा के मोती बाजार में सलीम अपने फादर की शॉप पे बैठा हुआ था With a pile of onions, onions के साथ A bowl of garlic and a basket of spinach. एक बाउल में गार्लिक रखे हुए थे और एक बास्केट में स्पिनच मींस पालक रखे हुए थे पोटैटोज रखे थे तो सारे काम थे उसको पीलिंग चॉपिंग स्लाइसिंग ये सारे काम उसे करने थे आई एम श्योर अ नवाब सन नेवर हैज टू पील अनियंस अब वो सोचने लगा कि काश मैं किसी नवाब का बेटा होता तो काश मुझे अनियन पील करने नहीं होते ही थॉट स्निफिंग It's just my luck that my father is the owner of a food shop. ये मेरी किस्मत है कि मेरे पापा क्या है एक food shop के मालिक हैं काश मेरे पापा भी नवाब होते But then he is a fantastic cook. लेकिन वो तो एक बहुत ही अच्छे cook हैं Thankfully the onions were soon done and Salim took them into the kitchen. Where the dal was bubbling on the stove. तो अब सलीम क्या किया उसने जो सब प्याज वगैरह काट लिए और अब वो चला गया किचन में जहाँ पे दाल उबल रही थी Bubbling means उबल रही थी While his father ground the spices for the mutton curry and the spinach and potato dish. अब उसके पापा क्या कर रहे थे सलीम के पापा वो ग्राउंड कर रहे थे स्पाइसेस को मीन्स मसालों को पीस रहे थे और किस चीज़ के लिए मटन करी बनाने के लिए साथ में वो स्पिनच और पोटैटो के जो डिश बना रहे थे उसकी भी तैयारी कर रहे थे कमिंग बैक टू हिज पर्च आउटसाइड द शॉप सलीम सेटल डाउन टू बास्क इन द सन वाइप्ड हिज आईज एंड पिक्ड अप द पोटैटोज अब वापस अपना सब काम वाम करके अनियंस को रख के सलीम वापस आए अपनी जगह पे आके बैठ गया धूप में अपने आंखों को उसने पोछा क्योंकि प्याज काटने के बाद क्या होता है बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं तो उसने अपने आंखों को पोछा और पोटैटोस को पिक किया ताकि उसे पील कर सके छील सके वन डे ही थॉट फादर विल टीच मी हाउ टू कुक एंड देन आई विल स्टैंड बिहाइंड द बिग स्टोव एंड कुक डिलीशियस मील्स व्हाइल समवन एल्स पील्स द अनियंस अब उसने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पापा मुझे खाना बनाना सिखाएंगे
तो मैं क्या करूँगा, स्टोव के पास बैठूँगा, बिहाइंड मीन्स बड़े से स्टोव के बाहर खड़े रहूँगा, उसके पास खड़ा रहूँगा और बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊँगा, और कोई और ही होगा जो इन अनियंस को पील कर रहा होगा। बट ही हैड टू ग्रो अ बिट टॉलर फर्स्ट, लेकिन खाना बनाना सीखने से पहले उसे और बड़ा होना पड़ेगा। राइट नाउ ही कुड नॉट इवन रीच अप टू नो टू लुक इनसाइड द बिग पॉट्स, अभी तो वो इतना छोटा है कि उन बड़े बड़े बर्तनों के अंदर भी वो नहीं झांक सकता। एंड द बिग लैडर्स वर टू मच हैवी फॉर हिज यंग आर्म्स, और वो जो बड़े बड़े जो चम्मच थे जिससे वो खाना बनाया जाता था, वो चम्मच भी इतने भारी थे कि उसके छोटे छोटे हाथों से वो नहीं यूज़ कर पा रहा था उन्हें। एज ही वर्क सलीम सैंग, तो काम करते करते सलीम गाना गाने लगता है। इट वॉज अ सिंगिंग काइंड ऑफ डे, वो दिन बहुत अच्छा था, उसे गाना गाने का मन कर रहा था इसलिए वो गाना गाने लगा। द ब्राइट विंटर सन वार्म्ड हिज बैक, अब जो विंटर का, क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो सर्दी में हमें क्या लगता है, सूरज में मीन्स धूप में बैठना अच्छा लगता है, तो वो धूप में बैठा हुआ था, सूरज की गर्मी उसके पीठ पे आ रही थी और वो आराम से इंजॉय कर रहा था। ही हैड जस्ट अ बिग बाउल ऑफ क्रीमी मिल्क, एंड लेटर वंस द लंच कस्टमर्स हैड गॉन, ही कुड प्ले मार्बल्स विथ हिज फ्रेंड्स इन द स्ट्रीट, तो उसने एक बाउल भर के क्रीमी मिल्क पिया था और वो वेट कर रहा था कि जो लंच पे कस्टमर्स आए हैं वो चले जाएं, उसके बाद वो आराम से अपने दोस्तों के साथ जाके मार्बल्स खेल सकता है, कंचे खेल सकता है। सो सलीम सैंग अ ट्यून ही लाइक टू मेक अप द वर्ड्स अलोंग द वे, अब सलीम क्या करने लगा, एक धुन अपने मन में गुनगुनाने लगा, उसे कुछ वर्ड्स का गाना अच्छा लगता था तो उसे वो गुनगुनाया करता था। पील एंड चॉप एंड स्लाइस देम टू एवरी डे, दैट इज ऑल आई डू, तो ये था उसका सॉन्ग, क्या था, पील एंड चॉप एंड स्लाइस देम टू एवरी डे, दैट इज ऑल आई डू। ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेथ एंड देन सैंग अगेन, सांस लेने के लिए वो रुका, फिर से उसने गाना गाना शुरू कर दिया। But can you please tell me why the smelly onions make me cry? So, अब उसका गाना कंप्लीट हो गया कि मैं रोज पीलिंग करता हूँ, चॉपिंग करता हूँ, स्लाइसिंग करता हूँ, ये मेरा रोज का काम है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो स्मेली अनियंस है वो मुझे रुलाते क्यों हैं? अब उसका गाना सुनने के बाद किसी ने बोला, वाह यू सिंग वेल, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, said a deep voice, एक आवाज़ आई उसके पीछे से। सलीम turned to find a tall man standing behind him, तो जैसे ही आवाज़ आई पीछे से सलीम के, वाह तुम कितना अच्छा गाना गाते हो, तो सलीम पीछे मुड़ के देखने लगा कौन है वो, तो वो एक लंबा सा कोई आदमी था। And the words are rather interesting too, अब उस आदमी ने कहा कि अरे तुम्हारे जो ये शब्द हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, तुमने खुद का गाना बना रखा है, बहुत अच्छा गाना बनाया है। तो अब सलीम ने कहा, आई मेड देम, ग्रैंड सलीम, सलीम ने कहा ये गाना मैंने खुद से बनाया है। आई कैन सी दैट बट डिड यू मेक अप द ट्यून टू, तब उस आदमी ने कहा कि हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ कि गाना तुमने बनाया, क्या इस धुन को भी तुमने बनाया है। सलीम शूक हिज हेड, सलीम ने कहा नो सर आई हर्ड दैट समवेयर, मैंने ये धुन कहीं और सुनी है, वहां से मैंने उठाई अपने गाने में डाल दी। अ नाइस ट्यून इजंट इट, एंड ही हम्ड इट अगेन, तो सलीम ने कहा कि हाँ ये जो धुन है कितनी अच्छी है ना, चलो फिर से गाता हूँ। वेयर डिड यू हियर इट, अब उस आदमी ने पूछा तुमने ये धुन कहाँ पे सुनी है, तो There is an उस्ताद who lives in the lane behind ours. तो सलीम ने कहा मेरे घर के पीछे, मेरे लेन के पीछे एक उस्ताद रहते हैं। Every morning he practices his music. हर morning को वो क्या करते हैं, अपनी music को practice करते हैं। And he often sings this. वो इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। Different words of chords. इट इज़ राग भैरवी, हाँ इसमें अलग अलग वर्ड्स तो हैं, पता है तुम्हें इस धुन को क्या कहते हैं, इस धुन को कहते हैं राग भैरवी। ओ
सलीम पेक्ड अप अनदर पोटैटो. सलीम ने ये बोलते हुए एक पोटैटो उठाया. आई डोंट नो अबाउट रागा सर, बट आई नेवर फॉरगेट आर ट्यून. मुझे राग वाग के बारे में कुछ नहीं पता, सलीम ने ऐसा कहा, लेकिन मैं किसी भी धुन को भूलता नहीं हूँ. द मैन केम एंड सैट डाउन नियर हिम. वो आदमी आया, सलीम के पास आके बैठ गया. ही लेज हिज फिंगर्स ऑन हिज लैप एंड सैट सॉफ्टली. अब उसने अपने पैरों पे अपने फिंगर्स को रखा और बोला, प्लीज सिंग फॉर मी सन. प्लीज बेटा, मेरे लिए तुम क्या गाना गाओगे. सॉफ्टली सलीम सैंग ऑल द सॉन्ग्स ही हैड हर्ड द उत्साद सिंग. सो जो जो उसने सुना था कि सॉफ्टली सलीम सैंग ऑल द सॉन्ग्स ही हैड हर्ड द उस्ताद सिंग. सो जो भी उसने सुना था कि जो भी उत्साद गाते थे वो सारे गाने वो क्या कर रहा था, गुनगुना रहा था. द मैन सैट बिफोर हिम विथ हिज आईज क्लोज एट टाइम्स टैपिंग अ फिंगर टू कीप द बीट. अब वो जो आदमी उसके पास बैठा था वो उसने अपनी आंखों को बंद किया और उस धुन को गुनगुनाने लगा. वे सलीम सैंग वेल द मैन वुड स्वे अ बिट एंड गिव अ लिटिल अप्रूविंग नॉड. सो जब ये सलीम गा रहा था तो वो जो आदमी था वहाँ पर बैठा था जो सलीम के पास, उसने क्या किया, उसका जो भी धुन था उसे नॉड करके अप्रूव कर रहा था. सलीम वंडर्ड हु वॉज ही. सलीम सोचने लगा, कौन है ये आदमी. ही वोर अ सिंपल सिल्क रोब एंड पजामा एंड हैड रैप्ड अ शॉल अराउंड हिम. तो इस आदमी ने तो बहुत ही सिंपल सा एक सिल्क का कपड़ा पहना हुआ है, पजामा पहना हुआ है और एक शॉल लपेटी हुई है. हिज शूज दो मेड ऑफ गोल्ड लेदर आर एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्ड. इसके जो जूते हैं वो बहुत ही अच्छे लेदर से बने हुए हैं और उस पर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी हो रही है. कुछ कोई लग रहा है बहुत ही अमीर इंसान है ये. वो ओल्ड एंड ही लुक लाइक अ लैंडलॉर्ड, सलीम कंक्लूडेड. अब सलीम ने सोचा कि कहीं ये कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं है, कहीं किसी लैंड का मालिक तो नहीं है. फाइनली सलीम टुक अ डीप ब्रेथ एंड सैंग हिज फेवरेट ट्यून. अब क्या हुआ, फाइनली सलीम ने एक लंबी सांस ली और अपना फेवरेट धुन गाने लगा. इट ऑलवेज मेड हिम थिंक ऑफ क्लाउडी स्काइज एंड द स्मेल ऑफ वेट अर्थ. तो ये जो धुन थी उसे क्लाउडी स्काइज की याद दिलाती थी, गीली गीली मिट्टी की एहसास दिलाता था. आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ रेन, जब पहली बारिश होती थी तो ये जो धुन है उसे उस पहली बारिश की याद दिलाती थी. It was a song he sang when he was alone on the roof of the house. ये वो song है जब वो अकेले अपने छत पे, घर की छत पे बैठता था, वहाँ पे बैठ के वो kite उड़ाता था. When he stopped, the man said softly. जैसे ही सलीम रुका, man ने क्या कहा, That is राग मल्हार. इसे राग मल्हार कहते हैं. It is the best of all. ये सबका best, सबसे best है. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टू. और ये मेरा फेवरेट भी है. द मैन लुक्ड थॉटफुली एट हिम. अब वो जो आदमी था मैन सलीम की तरफ देखने लगा. वुड यू लाइक टू लर्न म्यूजिक सन, क्या तुम म्यूजिक सीखना चाहते हो सलीम. एंड वॉट इज योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम. सो उस आदमी ने सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट की, सलीम से पूछने लगा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और क्या तुम म्यूजिक सीखना चाहते हो. सलीम द बॉय सेड, उस बच्चे ने बोला कि मेरा नाम सलीम है. माई फादर वॉन्ट्स मी टू लर्न म्यूजिक बट वी कैन नॉट अफोर्ड इट, सो आई एम गोइंग टू बी अ कुक. मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक म्यूजिक सीखूं, लेकिन हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं कि मैं सीख पाऊँ, तो मैं कुक बनने वाला हूँ. नॉट वेन यू कैन बिकम अ सिंगर, द मैन सेड, आई विल टीच यू फॉर फ्री बट यू विल हैव टू स्टे विथ मी एट द फोर्ट. तब उस आदमी ने कहा कि जब तुम सिंगर बन सकते हो तो क्यों बनना है तुम्हें कोक, मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो भी फ्री में, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कहाँ रहना पड़ेगा, फोर्ट में रहना पड़ेगा. द फोर्ट, अकबर बादशाह फोर्ट. सलीम लुक्ड अनबिलीविंगली एट द मैन. सलीम जो है उस आदमी को हैरानी से देखने लगा कि क्या सच में राजा के फोर्ट में, मीन्स अकबर बादशाह के फोर्ट में जाना है मुझे, वहां रहना है. Yes, come to the fort this evening with your father and we will discuss everything.
तो साधने ने कहा हाँ, आप आज शाम को अपने पापा के साथ फोर्ट में आओ और हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। द मैन लुक्ड अराउंड द स्मॉल स्ट्रीट फुल ऑफ वॉन्डरिंग काउज एंड पीपल। दिस वॉज नॉट द प्लेस टू एक्सेप्ट अ डिसाइपल, ही सेड। तो उस आदमी ने बोला कि ये ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आसपास लोग घूम रहे हैं, काउ घूम रही हैं, तो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं तुम्हें अपना शिष्य, डिसाइपल मीन्स शिष्य बना सकूँ। तो तुम कहाँ पे आओ? कोर्ट में आओ, मीन्स फोर्ट में आओ। सलीम लुक्ड सस्पिशियसली एट द मैन, यू आर नॉट जोकिंग आर यू? तो सलीम को लगा ये कौन आदमी है, बोले जा रहा है फोर्ट में मुझे इनवाइट कर रहा है, कौन है ये, कहीं ये मेरा बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। नो, द मैन स्माइल्ड, आई विल लीव वर्ड्स विद द गार्ड्स एट द गेट। तो उस आदमी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं अपने गार्ड्स को बोल दूंगा कि एक लड़का आने वाला है जिसका नाम है सलीम, तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। टेल देम टू टेक यू टू मियाँ तानसेन रूम, मैं उनसे कह दूंगा कि तानसेन मियाँ के रूम में ले आए तुम्हें। मियाँ तानसेन, यू? सलीम लुक एट द मैन, सलीम ने उस आदमी को देखा, मियाँ तानसेन, हाउ कैन यू बी तानसेन, तुम तानसेन कैसे हो सकते हो, यू आर नॉट इवन राइडिंग अ हॉर्स, तुम तो घोड़े पे भी सवार नहीं हो, तुम तानसेन कैसे हो सकते हो। तानसेन स्माइल्ड जेंटली एट दिस इनोसेंट ऑब्जर्वेशन। तो तानसेन ने देखा, मतलब ये सुन के बहुत स्माइल पास की उन्होंने कि वो बच्चा कह रहा है कि आप घोड़े पे होते तो ही आप तानसेन हो, ये सुन के वो जो है स्माइल करने लगे। सलीम थॉट ऑफ अ मोमेंट, सलीम थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। स्टिल देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, आई विल गो टू द फोर्ट टुडे जस्ट टू सी। तो सलीम ने कहा ठीक है, मैं फोर्ट चला जाता हूँ देखने के लिए कि क्या ये बात सच है या नहीं है। एंड द राइटर इज सुभद्रा सेन गुप्ता। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी, दीज आर योर वर्ड मीनिंग चिल्ड्रन। First is bask in the sun, means here sit and enjoy the warmth of the sun. Ladle is large, round, deep spoons with long handles. Trill means sang is a short, in a short high note. Lace his finger means intertwine the fingers of both hand together. Approving nod means a shake of a head showing approval. So children, quickly learn these word meanings. Now let's move on to book exercise, comprehension, and A exercise is multiple choice questions. First question is, Salim helped his father by peeling and chopping vegetables, getting visitors to his father's shop, cooking food in his shop, or singing songs for visitors. So the correct answer is first one, peeling and chopping vegetables. Bhairavi and Malhar are Indian musicians, Indian musical instruments, Indian classical ragas, or none of these. So it is Indian classical ragas. Similarly, children, you have to do the rest of the questions yourself. So now, children, let's move on to fill in the blanks. Here, the first one is Salim likes to sing. Instead, he has to chop vegetables at his father's shop. Second one, peel and chop and slicing them too every day, that is all I do. Do the rest yourself, children. And with this, children, we have completed the chapter. I hope it's clear. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.